उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो राजनीतिक दलों के संकल्प पत्रों का भी इंतजार किया जाने लगा। समाजवादी पार्टी मौखिक घोषणाएं करती रही, लेकिन इसे लिखित पेश करने के लिए पहले बीजेपी के संकल्प पत्र को पेश होने का इंतजार किया जा रहा था। अखिलेश यादव अपने भाषणों में कहते रहे कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद ही सपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। मंगलवार को बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ मिलकर घोषणा पत्र जारी करते हुए इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया। तो बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसका नाम दिया समाजवादी पार्टी वचन पत्र। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही घोषणा पत्र है जिसे लहराकर अखिलेश यादव पूछते रहते थे कि कितने पूरे हुए। तो मैं उन्हें बता दूं कि पूरे कार्यकाल के दौरान 212 संकल्प पूरे हुए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जहां जनता से जुड़े कई बड़े ऐलान किए, तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, व्यापारियों के मुद्दों को अपने संकल्प पत्र में शामिल किया, तो वहीं सपा भी बीजेपी के समानांतर मुद्दों को अपने वचन पत्र में शामिल किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में जहां किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी, त्योहारों में मुफ्त LPG सिलेंडर, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार, प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए प्रतिबद्ध, 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटने का वादा किया, तो समाजवादी पार्टी ने इसके जवाब में कई सारी घोषणाएं कर दी। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी, गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा, इसके साथ ही सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा, सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त ऋण, समाजवादी पेंशन के तहत महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को सालाना 18,000 रुपए की पेंशन, साथ ही गांवों और शहरों को CCTV और ड्रोन की निगरानी देकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा KG से लेकर PG तक छात्राओं की शिक्षा फ्री की बात कही गई है। दोनों ही राजनीतिक दलों के संकल्प पत्र में कुछ बातें लगभग एक जैसी ही हैं। जहां दोनों के घोषणा पत्र में समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर ये संकल्प जारी किया गया है, बीजेपी ने जहां इस संकल्प पत्र को प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने वाला संकल्प पत्र बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी संकल्प पत्र टैगलाइन देते हुए सत्य वचन अटूट वादा करार दिया। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इन संकल्पों को ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता किस दल का बटन दबाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।